एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हेवल्स हेयर ड्रायर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो लेके आई हूँ। मैं आज इस ड्रायर का रिव्यू करने वाली हूँ जो है हेवल्स का हेयर ड्रायर, और इसको मैंने काफ़ी दिन से यूज़ किया है तो फाइनली मैं इसका रिव्यू बनाने जा रही हूँ। अच्छा, तो इसको अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं। यह है हेवल्स का हेयर ड्रायर। इसको आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। तो ये है हेवल्स का हेयर ड्रायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टू हीट सेटिंग्स हैं जो कि हॉट और वार्म में आता है, और उसके साथ इसका जो लेटेस्ट फीचर है वो है कूल एयर सेटिंग। ये जो चीज़ है, इसी के लिए मैंने ये हेयर ड्रायर चूज़ किया है, क्योंकि ये चीज़ हर ड्रायर में नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग दो तरह की सेटिंग यूज़ कर सकते हैं, एक हॉट और एक वार्म। नॉर्मल के लिए आप वार्म का यूज़ कीजिए, और हॉट एयर के लिए आपको, अगर आपको जल्दी जल्दी से काम है, जल्दी जल्दी में आपको कहीं निकलना है, तो आप हॉट का भी यूज़ कर सकते हैं। पर याद रखिएगा कि हॉट एयर ज़्यादा यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि हॉट एयर ज़्यादा यूज़ करने से ये इसका जो कॉयल है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और इसका डैमेज होने का चांस भी ज़्यादा रहता है। इसीलिए वार्म में ही ये अच्छा रहता है यूज़ करने के लिए। ये जो ड्रायर है ये मैंने वाइट एंड ब्लू कलर में लिया है, और इसका जो वायर है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर है ये, और इसका फिनिश बॉडी भी बहुत अच्छा है। इसको आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हैंगिंग का पॉइंट दिया हुआ है, इसे आप कहीं भी इसको हैंग करके रख सकते हैं स्टोरेज के लिए। अब मैं इसका बॉक्स पे आती हूँ। ये हेवल्स हेयर ड्रायर का बॉक्स है जो कि कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। और यहाँ पर इसका आप जो डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डिटेल जो है यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ। यहाँ पर इसका प्राइस है जो है 1415 रुपीज़, और ये 1600 वाट में आता है। इसका जो वोल्टेज है वो है 220 to 240 VAC। तो मैं इसके प्राइस पे आती हूँ। यहाँ पर इसका प्राइस दिया हुआ है, इसका जो प्राइस है वो है 1415 रुपीज़। पर मैंने इसको फ्लिपकार्ट से लिया था ऑफ़र में, तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिला था इसके लिए, और इसके साथ 2 ईयर्स की वारंटी भी आती है। ये ड्रायर है, मैं इसको चला के दिखाती हूँ अभी। अगर इसको एक पॉइंट आगे करेंगे ऐसे, तो ये वार्म एयर छोड़ेगा, और इसे थोड़ा सा और आगे करेंगे तो ये हॉट एयर छोड़ता है। हॉट का एयर जो है वो ज़्यादा ही गर्म है, तो इसकी ज़रूरत हमें ज़्यादा नहीं पड़ती है। पर यहाँ पे जो कूल एयर है, इसको चलाने के लिए आपको सिंपली इसको वार्म में सेट करके ऐसे इस बटन को दबाते रहना है। अगर इसको आप दबाते रहेंगे तो इसमें से कूल एयर आते रहेगा, और इसे छोड़ने के बाद ये सिंपली वार्म एयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं अपने बहन के बालों में इसका रिव्यू दिखाने वाली हूँ। उसका हेयर काफ़ी शॉर्ट है, तो उसके बालों में रिव्यू करना बहुत ही इजी रहेगा, इसलिए मैंने अपने हेयर में नहीं, अपने बहन के हेयर में ट्राई किया है। सो दिस इज़ रश्मि, माय कज़न सिस्टर, एंड आई विल ट्राई द हेयर स्टाइल्स ऑन हर हेयर। तो फिर ये था हेवल्स का हेयर ड्रायर का रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो में लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ ही आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले मैं जो भी वीडियोज़ बनाऊँ वो आपके पास ज़रूर पहुँचें। थैंक यू।